ये तीसरा वीडियो है आर्टिकल का, और इस वीडियो में हम लोग डिफिनेट आर्टिकल जो है वो डिफिनेट आर्टिकल मतलब निश्चित आर्टिकल जो है, द मतलब किसी निश्चित वस्तु के पीछे हम द लगाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। वैसे हम लोगों ने ए और एन का प्रयोग देख लिया है कहाँ कहाँ होता है, और बीच बीच में और भी हम देखेंगे कि द के बदले में भी ए और एन का यूज़ किया जा सकता है, या ए या एन के बदले में भी कभी कभी द का यूज़ किया जा सकता है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये तीसरा वीडियो है, पिछला दो वीडियो ज़रूर देख लें। देखिए, पहला है ओपन डैश विंडो। तो बता दें कि ऐसी चीज़ या ऐसी कोई वस्तु या ऐसा कोई जगह जो पहले से निर्धारित हो, तो उसमें हम लोग द का यूज़ करेंगे। जैसे हम बोलेंगे ओपन विंडो, अगर हम डायरेक्ट ओपन विंडो बोलेंगे तो ठीक है, सेंटेंस गलत नहीं है, लेकिन अगर हम खड़ा है किसी को बोल देंगे ओपन विंडो, तो वो घर की कोई खिड़की खोल देगा, लेकिन हमें किसी निश्चित खिड़की को खुलवाना है कि वो वाली खिड़की खोलो, मतलब वो खिड़की खोलो जो तुम्हें पता है कि कौन सी खिड़की खोलनी है। अगर हम ओपन विंडो बोलते हैं, विंडो मतलब खिड़की, अगर हम ओपन विंडो बोल देते हैं किसी को, तो वो घर में चार पांच खिड़की है, वो कोई भी खिड़की खोल देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम ओपन द विंडो बोलते हैं, तो वो वही खिड़की खोलेगा जो उसे पता है कि कौन सी खिड़की खोलनी है। तो अगर किसी खास खिड़की को खुलवाना हो घर में, ठीक है, तो हम बोलेंगे ओपन द विंडो, ओपन विंडो नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या लगेगा, द लगेगा, क्योंकि विंडो जो है पूर्व निर्धारित है। बिना द के भी हम बोल सकते हैं, सेंटेंस गलत नहीं होगा, याद रखें। अगला है, डिड दे पोस्ट डैश लेटर। क्या उन लोगों ने लेटर पोस्ट कर दिया? लेटर पोस्ट करना मतलब लेटर भेज दिया किसी को, पोस्ट ऑफिस में जाके लेटर भेज दिया। देखिए, यहाँ पर अगर हम द नहीं लगाएंगे, सेंटेंस तो फिर भी करेक्ट है, सही है, लेकिन हम यहाँ पर किसी खास लेटर की बात कर रहे हैं, जो लेटर मैंने उस उन लोगों को दिया था कि भाई ये लेटर तुम पोस्ट कर देना। तो क्या उन लोगों ने उस लेटर को पोस्ट कर दिया, जिस जो लेटर मैंने दिया था? अगर हम बोलेंगे कि डिड दे पोस्ट लेटर, तो इसमें किसी खास लेटर की बात नहीं हो रही है, उन लोगों ने कोई भी लेटर पोस्ट कर दिया होगा, तो कोई मुझे रिप्लाई करेगा कि हाँ उन लोगों ने लेटर पोस्ट कर दिया। लेकिन हम किसी खास लेटर की अगर बात करेंगे, कि अगर हम द लगा देते हैं, इसका मतलब है कि कोई खास लेटर है जो उन लोगों ने पोस्ट किया या नहीं, तो सामने वाला रिप्लाई करेगा कि हाँ किया या नहीं। ठीक है, यहाँ पर अगर किसी खास लेटर की बात हो रही है, तो द लगा के बोलेंगे, और द नहीं लगाएंगे तो वो पूर्व निर्धारित नहीं होगा, याद रखें। अब है सेट सिट इन डैश बस। अगर हम किसी को बोलेंगे सिट, बस स्टैंड पे खड़े हैं, बोल देंगे सिट इन बस, सेंटेंस करेक्ट है। तो लेकिन द अगर हम नहीं लगाएंगे, बिना द के अगर हम बोल देते हैं सिट इन बस, इसका मतलब ये है कि वो किसी भी बस में चढ़ जाएगा, जाना कहीं है बैठ गया किसी बस में, क्योंकि हमने द का यूज़ नहीं किया है। लेकिन अगर वहीं पर हम लोग द का यूज़ कर देते हैं, सिट इन द बस, इसका मतलब है कि मैं उसे किसी खास बस में बैठने के लिए बोल रहा हूँ, जो बस जिस बस से हम लोग जाएंगे, ठीक है, या जिस जिस बस से उसे जाना है। तो पूर्व निर्धारित जो चीज़ है, जो खास चीज़ है, उसके पहले द का यूज़ करेंगे। तो हम अगर किसी खास बस की बस बारे में बात करें, और जब भी बस स्टैंड पर किसी बस में किसी को बोलेंगे बैठने के लिए, तो कोई खास बस ही होगा ना, किसी भी बस में तो नहीं बैठ जाएगा, तो द का यूज़ करेंगे, सिट इन द बस। ठीक है, उसके बाद देखिए, स्टैंड अप ऑन डैश बेंच। अगर हम किसी लड़के को बोलें कि स्टैंड अप ऑन बेंच, बेंच पर खड़े हो जाओ, द अगर हम नहीं लगाएं, ठीक है, तो वो क्या करेगा लड़का? अगर हम स्टैंड अप ऑन बेंच बोल देते हैं बिना द के, द बेंच नहीं बोलते हैं, स्टैंड अप ऑन द बेंच नहीं बोलते हैं, अगर बोल देंगे स्टैंड अप ऑन बेंच, तो वो जिस बेंच के पास वो बेंच पर हम लोग बैठते हैं, तो वो उस बेंच पर खड़ा नहीं होकर के उसको जिस बेंच पर मन होगा क्लास में, वो घूमते घूमते जाएगा किसी बेंच पर खड़ा हो जाएगा, और टीचर जो है वो उसे कुछ बोल भी नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसने उसे स्टैंड अप ऑन द बेंच नहीं बोला है। अगर द बोलेगा तो इसका मतलब है कि किसी खास बेंच के बारे में बोल रहा है। कौन से बेंच के बारे में? जिस बेंच पर वो बैठा है वही, क्योंकि हम किसी को खड़े होने के लिए अगर किसी स्टूडेंट को बोलते हैं, तो वो उसी पर न खड़ा होगा जिस पर वो बैठा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर हम बोलेंगे स्टैंड अप ऑन द बेंच बोलेंगे, स्टैंड अप ऑन बेंच नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग? द का यूज़ करेंगे। समझ रही है बात, में समझ में आ रही है? वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अब देखिए, पूरी जाति का बोध कराने के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर पूरी जाति का बोध कराना हो, तो उसमें हम लोग ए या एन का यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पर द का भी यूज़ किया जा सकता है। नई बात है, याद रखिएगा, द का भी यूज़ किया जा सकता है। अगर किसी ने द का यूज़ कर दिया,
ये नहीं कि उसे हम गलत कर देंगे या उसे हम गलत बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, तो यहाँ पर ए डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल भी सही है, और द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल मतलब कुत्ता एक वफादार जानवर होता है, सारे कुत्ते, पूरी जाति की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम द लगा कर भी बोल सकते हैं, सेंटेंस गलत नहीं होगा, और ए और एन लगा करके भी लिख सकते हैं। लेकिन डॉग के साथ क्या लगेगा, एन तो लगेगा नहीं, ए लगेगा, क्योंकि ए और एन के बारे में मैंने अच्छे से बता दिया है, वो देख लें आप। तो द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल करेक्ट है। यहाँ पर भी द टाइगर इज़ अ फियर्स एनिमल, टाइगर जो है वो एक डरावना जानवर होता है, खतरनाक जानवर होता है, पूरे टाइगर की बात हो रही है, तो पूरी जाति का बोध कराने के लिए द का यूज़ कर सकते हैं। द चाइल्ड इज़ नॉटी, बच्चे नटखट होते हैं, सारे बच्चों की बात हो रही है, तो द लगाएंगे। द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल, सारे गाय जो है, गाय एक उपयोगी जानवर होता है, होती है, तो हम लोग पूरी जाति का बोध कराने के लिए ए या एन का भी यूज़ कर सकते हैं और द का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये बात भी मैंने कल बताई थी कि ऑयल इज सोल्ड बाय डैश लीटर। अगर हम, जैसे हम लोग बोलते हैं किसी, अगर हम दुकानदार से पूछते हैं कि भैया तेल कितने रुपये लीटर है, तो कितने रुपये लीटर का मतलब हुआ कि एक लीटर का दाम कितना है। अगर हम पूछते हैं कि आलू कितने रुपये किलो है, कितने रुपये किलो का मतलब है कि पर किलो आलू का दाम क्या है। तो पर के बदले में, PER, पर के बदले में आप ए या एन का यूज़ कर सकते हैं, मैंने कल बताया था, लेकिन वहाँ पर आप द का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी करेक्ट होगा, गलत नहीं होगा। ऑयल इज सोल्ड बाई द लीटर, ऑयल जो है वो लीटर के हिसाब से बिकती है, तो बाई द लीटर, क्लियर है। शुगर इज सोल्ड बाई द किलो, शुगर तो किलो में ना बिकता है, चीनी तो किलो में ना बिकता है, तो यहाँ पर लीटर नहीं होगा, किलो, शुगर जो है वो किलो में बिकता है, ठीक है। अब देखिए अगला चल देखते हैं। अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब गीत संगीत में प्रयोग किया जाने वाला जो यंत्र है, उसके पीछे हम लोग हमेशा द का यूज़ करेंगे। मतलब हारमोनियम कहीं पे लिखा हुआ है तो वो द हारमोनियम लिखा रहेगा, अगर तबला लिखा हुआ है तो द तबला लिखा रहेगा, गिटार लिखा हुआ है तो द गिटार लिखा रहेगा, ड्रम लिखा हुआ है तो द ड्रम लिखा रहेगा, फ्लूट मतलब बांसुरी लिखा हुआ है तो द फ्लूट होगा। मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक गीत संगीत में जो यंत्र प्रयोग किए जाते हैं, वो अगर कहीं पे लिखे रहेंगे तो उसके पहले हम लोग क्या यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। राम वांट्स टू प्ले ऑन द हारमोनियम, राम जो है वो हारमोनियम बजाना चाहता है। आई कैन प्ले द गिटार, मैं गिटार बजा सकता हूँ, ठीक है। तो गिटार है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो द के बिना नहीं लिखा जाएगा। जूही प्लेज द तबला, तबला क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो बिना द के नहीं लिख सकते हैं। आगे चलिए देखते हैं। अगर कोई इन्वेंशन है, इन्वेंशन का मतलब होता है अगर किसी चीज़ का आविष्कार हुआ है, तो उसके पहले भी हम लोग द का यूज़ करते हैं। अगर हम पूछें कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया, तो हु इन्वेंटेड टेलीविज़न नहीं बोल के हम लोग बोलेंगे हु इन्वेंटेड द टेलीविज़न, क्योंकि टेलीविज़न का आविष्कार हुआ है। तो अगर कोई इन्वेंशन है तो हु इन्वेंटेड द टेलीविज़न होगा, आविष्कार के अर्थ में, याद रखिएगा, आविष्कार के अर्थ में। ये नहीं कि अब जहाँ पर टेलीविज़न है वहाँ पर द का यूज़ करेंगे, नहीं, जहाँ पे इन्वेंटेड लिखा हुआ है, इन्वेंट लिखा हुआ है, वहाँ पर आविष्कार जहाँ पे लिखा रहेगा इन्वेंट, वहाँ पे हम लोग द का यूज़ करेंगे, क्लियर है। अब देखिए, रेडियो अगर कहीं पे लिखा हुआ है, अगर हम किसी को बोलेंगे कि लिसन टू रेडियो, रेडियो सुनो, ठीक है, तो वहाँ पे बिना द के यूज़ नहीं करेंगे, बोलेंगे उसको लिसन टू द रेडियो। लेकिन अगर वहीं पे बोलेंगे कि टीवी देखो, तो वॉच ऑन द टेलीविज़न नहीं बोल देंगे, ठीक है, रेयर केस है, याद रखेंगे इसको, कि रेडियो अगर बोलेंगे तो द रेडियो बोलेंगे, लिसन टू द रेडियो, रेडियो सुनो, या फिर और टेलीविज़न अगर बोल रहे हैं कि वॉच ऑन द टेलीविज़न नहीं बोलना है, वॉच ऑन टेलीविज़न बोलना है, क्लियर है। यहाँ तक समझ में आ गई, चलिए और कुछ आगे एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। उसके बाद देखिए, अगर कोई पदवी है, ठीक है, कोई पदवी है, पदवी मतलब जैसे कोई SP है, SP मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो उसकी पदवी हुई। कोई चीफ मिनिस्टर है तो वो उसकी पदवी हुई, ठीक है, जो पोस्ट है, पदवी मतलब पोस्ट, जैसे कोई टीचर है तो उसकी पदवी हुई, डॉक्टर है तो उसकी पदवी हुई, डॉक्टर की पदवी हुई, उपाधि हुई। तो किसी पदवी के पीछे जो है वो हमेशा द का यूज़ होता है।
जैसे अगर हम बोलेंगे कि द एसपी हैज कम बोलेंगे, ठीक है, एसपी हैज कम नहीं, एसपी जी आए हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आए हैं या आया है, तो उसमें हम, क्योंकि एसपी क्या है, एक पोस्ट है, एक पदवी है, तो पदवी के पीछे हम लोग क्या क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, द डिसीजन वॉज टेकन बाई सीएम, ऐसे नहीं बोल सकते हैं, डिसीजन जो है, निर्णय जो है, वो सीएम के द्वारा लिया गया। तो सीएम जो है, चीफ मिनिस्टर जो है, वो एक पोस्ट है, वो एक पदवी है, तो पदवी के नाम से पहले क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, क्लियर है। उसके बाद डैश चेयरमैन, चेयरमैन, चेयरमैन क्या होता है, एक पदवी है, पोस्ट है, तो चेयरमैन से पहले क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, द चेयरमैन विल डिसाइड द मैटर, चेयरमैन मैटर को डिसाइड करेगा, निर्णय लेगा मैटर पे, बात पे, तो चेयरमैन पदवी है, तो द लगाएंगे। उसके बाद देखिए, द मीटिंग वाज प्रेसिडेड ओवर बाय डैश एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मीटिंग को आगे बढ़ाया गया किसके द्वारा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के द्वारा। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो एक पदवी है, किसी व्यक्ति को वो पद मिला है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पद मिला है, तो पदवी के नाम से पहले हम लोग क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, क्लियर है। आगे देखिए, शरीर के अंगों के नाम, जब किसी विशेष अर्थ में कोई सेंटेंस लिखा जाता है, तो अगर किसी विशेष अंग की बात कर रहे हैं, शरीर के किसी भी अंग की बात कर रहे हैं, तो हमेशा द का यूज़ किया जाएगा, क्लियर है। अब जैसे देखिए, पुलिस हिट हिम, पुलिस ने उसे मारा, कहाँ पे मारा, सर पे मारा, तो यहाँ पर किसी स्पेशल केस में सर का, हेड का यूज़ किया गया है, ठीक है, मतलब सर पे मारा, तो सर पे मारा है, तो यहाँ पे स्पेशल स्थिति होगी, मारना स्पेशल स्थिति है। तो अब दूसरा सेंटेंस आप जैसे यहाँ पे देखिए, मैन हैज़ अ हेड, मनुष्य के पास एक सर, ए नोज, एक नाक, एंड ए माउथ, एक माउथ होता है, एक मुंह होता है, तो ये तो नॉर्मल बात है, ये कोई स्पेशल केस नहीं है, सभी के पास एक सर, एक आँख और एक मुंह, ये सब होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग द का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि लेकिन यहाँ पर क्या है, पुलिस ने उसे सर पे मारा, यहाँ पर सर पे ही मारा, पाँव पे भी मार सकता था, पीठ पे भी मार सकता था, तो लेकिन कहाँ पे मारा, सर पे मारा, तो स्पेशल केस है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, शरीर के अंग के नाम से पहले क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। और पुलिस क्या है, पुलिस एक पदवी है, तो पदवी के नाम से भी पहले क्या लगता है, द लगता है, यहाँ पे क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, क्लियर है। द पुलिस बोलेंगे, द पुलिस हिट हिम ऑन द हेड। अब देखिए दूसरा है, क्रिमिनल वॉज शॉट इन डैश लेग, क्रिमिनल को पाँव पर गोली मारी गई, शॉट मतलब होता है गोली मारना, तो क्रिमिनल को पाँव पर गोली मारी गई। अब देखिए यहाँ पर क्रिमिनल जो होगा वो कोई खास क्रिमिनल होगा, अगर हम बोल देंगे क्रिमिनल सिर्फ बोलते हैं, इसका मतलब सारे क्रिमिनल को, लेकिन सारे क्रिमिनल को तो नहीं मारा गया है, किसी खास क्रिमिनल को मारा गया होगा, तो यहाँ पर द का यूज़ करेंगे, द क्रिमिनल, ठीक है। वाज शॉट इन डैश लेग, पाँव पर गोली मारी गई, स्पेशल केस है, तो यहाँ पर शरीर के अंग के नाम से पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, ठीक है। इन द लेग होगा, इन द लेग होगा, ऑन द लेग नहीं होगा, पाँव पर, तो आप सोचिएगा कि पर का तो इंग्लिश ऑन होता है, तो ऑन मतलब पर होता है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, द क्रिमिनल वाज शॉट ऑन द लेग, पाँव पर गोली, लेकिन इन द लेग होगा। कुछ कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी, इसका कोई रूल है नहीं, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश में कुछ लाइन जो है, कुछ पॉइंट जो है आपको याद रखना पड़ेगा, ऑन द लेग नहीं होगा, इन द लेग होगा, ठीक है। अब देखिए, शी, उसके बाद क्या है, शी काउट डैश चाइल्ड बाय डैश ईयर, उसने पकड़ा, शी काउट किसको पकड़ा, बच्चे को पकड़ा, ठीक है, शी काउट चाइल्ड, उसने बच्चे को पकड़ा। अब देखिए, किसी बच्चे को पकड़ा हो तो किसी खास बच्चे को पकड़ा होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, सारे बच्चे को तो उसने नहीं पकड़ लिया, तो शी काउट द चाइल्ड, उसने बच्चे को पकड़ा, बाय डैश ईयर, क्या पकड़ लिया, कान पकड़ लिया, उसने बच्चे का कान पकड़ लिया, तो यहाँ पर शरीर के अंगों का नाम है, तो शरीर के अंगों के नाम से पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, तो शी काउट द चाइल्ड बाय द ईयर, उसने बच्चों का कान पकड़ लिया। अब आपके दिमाग में यहाँ पर आता होगा कि बाय का मतलब तो होता है के द्वारा मतलब किसी चीज के द्वारा, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि शी काउट द चाइल्ड बाय द ईयर, कान के द्वारा बच्चे को पकड़ लिया, मतलब कान से बच्चे को पकड़ लिया, ऐसा तो संभव नहीं है, ठीक है, तो उसने बच्चे का कान पकड़ लिया, तो यहाँ पर बाय द ईयर होगा। कुछ कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, हाँ, जैसे इन द लेग है, उसके बाद बाय द ईयर है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि किसी का गर्दन पकड़ लिया, किसी का कान पकड़ लिया, किसी का हाथ पकड़ लिया, किसी का सर पकड़ लिया, तो क्या बोलेंगे, बाय द नेक, बाय द हैंड, बाय द ईयर, बाय द नोज, बाय द चीक, जो चीज़ पकड़ेगा तो बाय द टेस्ट, क्लियर है।
उस बच्चे का हाथ पकड़ लिया तो बाय द हैंड, उसके बाद देखिए। लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जैसे कि यहाँ पर है एट हैंड है, ऑन फुट है और इन हैंड है, तो इसका इस्तेमाल जो है, इस वर्ड्स का इस्तेमाल जो है हम लोग अक्सर किस में करते हैं, फ्रेजल वर्ब में करते हैं। एट हैंड का मतलब, एट मतलब में या पर, हैंड मतलब हाथ, तो ये नहीं कि एट हैंड का मतलब हाथ में, एट हैंड का मतलब होता है बहुत नज़दीक, और इन हैंड का भी मतलब होता है बहुत नज़दीक। माय एग्जाम इज एट हैंड, मेरा एग्जाम जो है हाथ में है, ऐसा नहीं है। माय एग्जाम इज एट हैंड का मतलब होता है कि मेरी, मेरा जो एग्जाम है वो बहुत नज़दीक है। तो एट हैंड और इन हैंड का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, बहुत नज़दीक के अर्थ में करते हैं। ऑन फुट का मतलब, फुट मतलब पैर, ऑन मतलब पर, तो पैर पर, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑन फुट का मतलब होता है पैदल, मैं पैदल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग ऑन फुट, मैं पैदल जा रहा हूँ। मैं स्कूल पैदल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल ऑन फुट, ठीक है, यानी कि मैं पैर पर स्कूल जाता हूँ। तो ऑन फुट का मतलब क्या होता है, पैदल। तो ये जो तीनों वर्ड यहाँ पे लिखे हुए, यहाँ पे शरीर के अंगों के नाम है, लेकिन शरीर के अंगों के नाम है फिर भी यहाँ पर फ्रेजल वर्ब के रूप में इसका इस्तेमाल हो रहा है, यूज़ हो रहा है, इसलिए इसमें हम लोग द का यूज़ नहीं करेंगे। और ये लाइन तो मैंने आपको बता ही दिया है कि मैन हैज़ इट हेड, मैन इंसान के पास एक सर, ए नोज, एक नाक एंड ए माउथ, और एक मुंह होता है। तो ये नॉर्मल चीज़ है, सबके पास होता है, तो इसलिए इसमें द का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि द क्या है, डिफरेंट आर्टिकल है, निश्चित आर्टिकल है, तो किसी निश्चित वस्तु, निश्चित वस्तुओं के नाम से पहले या किसी निश्चित चीज़ के नाम से पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं, जो नॉर्मल चीज़ है उसके पहले द का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आई होगी, अगले वीडियो में इससे और आगे चलेंगे और देखेंगे कि द का यूज़ और कहाँ कहाँ होता है। एक ही वीडियो में बता देंगे तो बोरिंग होगी, अगले वीडियो में और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और आपको होमवर्क भी देंगे बनाने के लिए, अभी भी और भी 2 से 4 वीडियो जो है आर्टिकल का बनेगा, क्योंकि मैंने वादा किया है कि ग्राउंड लेवल से, एकदम बेसिक लेवल से हाई लेवल तक आपको पढ़ाऊंगा, ताकि जो चीज़ मैं पढ़ा दूँ वो आपको दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े, आर्टिकल आपको फिर कभी नहीं पढ़ना पड़े ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाद। तो अभी 2-4 वीडियो और आर्टिकल पे बनेगा, उसके बाद हम फिर चलेंगे नाउन पे, उसके बाद फिर आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।